हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बेस्ट अप्रोच चैनल। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी, जिसमें जो भी डाउट आ रहे हैं बच्चों के, जो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी होती है क्वेश्चंस में, हम लोग उन क्वेश्चंस की क्या कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम लोग अगर पॉसिबल हुआ तो उसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर बनाएंगे, है ना। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये कब आया हुआ है। मेंस में आया हुआ बेटा, 2020 में शिफ्ट सेकंड 3/9/20 की, है ना। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा, सारी डीवाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूं पहले। तो x³ - x²dy = dx वाली टर्म को भी इकट्ठा, y² - x dx। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो अलग अलग कर दिया, dy/(y) = 2 - x dx / (x³ - x²। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। सही है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया भैया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो क्या बना, -ln y। इसको क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, x - 2/(x²) - 1 dx, है ना। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, x - 2/(x²) - 1 को क्या लिखते हैं, a अपॉन x स्क्वायर भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो। प्लस b/(x²) + c/(x-1)। मैंने क्यों बोला x², अरे यहां मैं क्या कर रहा था, यहाँ x² वाली टर्म लिख देता तो यहाँ x वाली टर्म लिख देता था, तो a और b कांस्टेंट चेंज होते, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो आप यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगा के a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, a b c की, है ना। तो एक मेथड तो आपका ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे मेथड से बताता हूं। ये सिंपल सा मेथड है जो आप लोग कर लोगे। मेथड सेकंड क्या कहता है, मैं खुद का दिमाग लगाता हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाता। -ln y = इसको लिख सकता हूं मैं x - 1 - 1, अलग अलग कर रहा हूं, x²(x-1) / x²(x-1) dx, है ना। अब इसी के अंदर मैंने क्या करा, चलो अगले स्टेप पे लिख लेता हूं, -ln y, ये कैंसिल हुआ तो ये 1/(x²) dx - इस 1 के अंदर क्या करा मैंने, 1 - x²+x² कर दिया, फिर अलग अलग कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक, ये dx, ये होल के ब्रैकेट, ये dx भी होल के ब्रैकेट में दिया। ठीक है, -ln y, 1/(x² का इंटीग्रेशन, -1/(x), है ना। मैं इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, +x²-1/(x²x-1) dx। इसको अंदर लेके गया था, -x² से x² गया, 1/(x-1). सही है, -ln y - 1/(x) प्लस इसके अंदर a²-b²(x-1)(x+1)/(x²)(x-1) dx। इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln x - 1। इस स्टेप में क्या कर रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे के पूरे गए, अलग अलग भी कर दूंगा यहां, -ln y - 1/(x)+(1)x dx + (1)x²(dx - ln x - 1)। सही है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। एक बार इसी स्टेप को आप लिख रहा हूं, -ln y = -1/(x)+, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं, कर देता हूं, 1/(x) का क्या आ जाएगा बेटा, 1/(x) का ln x, आगे क्या है, 1/(x² का -1/(x) - ln x - 1 + c। सही है बेटा। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, y(2) की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये दे रखा है हमें,
इसका मतलब हमारा x2 है और y कितना है, e है, तो माइनस एल एन ई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस एल एन टू माइनस वन बाई टू माइनस एल एन वन प्लस सी। ये माइनस वन बना भैया, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बना, प्लस एल एन टू, एल एन वन जीरो ही होगा डायरेक्ट, तो ये गया, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का एल एन टू। यहां मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिख दूंगा डायरेक्ट, तो क्या बनेगा बेटा, ये चलो पहले लिख देता हूं, माइनस एल एन वाई, ये माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना हो गया, माइनस का टू बाई एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस वन प्लस, सॉरी माइनस एल एन टू है ना, माइनस एल एन टू, ठीक है, तो एल एन वाई आ गया आपका टू बाई एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकता हूं ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस एल एन टू। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, आपको निकालनी है वैल्यू वाई ऑफ फोर की, किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई ऑफ फोर की निकालनी है, सही है, ठीक है, तो y of 4 की वैल्यू निकालिए, x की जगह क्या पुट करना है आपने 4, ठीक है, हाँ, तो ln ln y is equals to क्या बना 2 by 4, मार्कर चेंज हो जाता है अपना अभी, 2 by 4 प्लस ln 4 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब 3 बाय 4 है ना, प्लस ln 2, ठीक है, हाँ भी इसको लिख रहा हूं ln y, इसको क्या लिख रहा हूं ln रूट e लिख सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इसको लिख रहा हूं ln 3 बाय 2, तो ln y क्या लिख रहा हूं, ln 3 रूट ई बाय 2, तो y की वैल्यू आ गई 3 रूट ई बाय, दिस इज योर आंसर, तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, ये हो नहीं सकता भैया, साफ साफ दिख रहा है ये है नहीं, ये हो नहीं रहे, क्या आ गया, साफ साफ दिख भी रहा है 3 बाय 2, ओके थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन है ना, सेकंड मेथड आपको बता दिया है, एक ये मेथड है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके थैंक यू।